आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। मैं सिंधी आनंद लेके आई हूँ आपके लिए राजनीति की कुछ खास खबरें। जी हाँ, महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ था उसके बाद आपको बता दी थी वहाँ भी सिंधे की ताजपोशी हो गई। अब एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना का किला ढहता नजर आ रहा है। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद महाराष्ट्र की सत्ता गवा चुकी शिवसेना के हाथ से एक एक करके नगर निगम और नगर पालिकाएं भी जाने लगी है। दरअसल कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में शिवसेना के 55 और पेट्रो ने एकनाथ शिंदे गुट को समर्थन दिया है। खास बात ये है कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अध्यक्ष राजेश मोरे भी शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। उधर अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को उद्धव ठाकरे की गुट से लगाई गई उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई है जिसमें एकनाथ शिंदे सीएम बनने को चुनौती दी गई। महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, इससे पहले नवी मुंबई में शिवसेना के 32 कॉर्पोरेटरों ने एकनाथ शिंदे से मिलकर अपना समर्थन दिया था। वहीं गुरुवार को ठाणे में नगर निगम में शिवसेना के 67 में से 66 कॉर्पोरेटर एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए। मुंबई महानगर क्षेत्र में मुंबई ठाणे नवी मुंबई कल्याण डोंबिवली उल्हासनगर मीरा भाईंदर वसई विरार पनवेल और भिवंडी निजामपुर जैसे 9 महत्वपूर्ण नगर निगम है। ठाणे में एकनाथ शिंदे की पकड़ मजबूत मानी जाती है, लेकिन अब एकनाथ शिंदे ने 3 नगर निगम पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह संख्या और भी बढ़ सकती है। हालांकि इन सभी 9 नगर निगमों में ज्यादातर में कार्यकाल पूरा हो चुका है, इनका कंट्रोल अभी प्रशासन के पास है। जल्द चुनावों का ऐलान हो सकता है। महाराष्ट्र में सिर्फ सेना के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल इससे पहले नवी मुंबई में सिर्फ सेना के 32 कॉर्पोरेटरों ने एकनाथ शिंदे से मिलकर अपना समर्थन दिया था। वहीं गुरुवार को ठाणे में नगर निगम में शिवसेना के 67 कॉर्पोरेटर एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए थे और अब कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में शिवसेना के 55 कॉर्पोरेटरों ने भी एकनाथ शिंदे गुट को समर्थन दे दिया है, जिससे अब शिवसेना के लिए अब एक बड़ी खतरे की घंटी बजती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि इस तरह की जिस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में देखने को मिली और इसके बाद से उद्धव ठाकरे के हाथ से एक के बाद एक उनकी पार्टी उनके जो खुद के बागी विधायक थे वो अलग होते गए और कहीं ना कहीं उनकी शिवसेना अब खतरे में दिखती नजर आ रही है। तो आप इस खबर पे आपकी अपनी क्या राय है आप हमें बताएं। राजनीति से जुड़ी ऐसी ही खास खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव। धन्यवाद।